सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अरसुल के हैटिंग में नवनीत राणा का रोड़ा, अमरावती लोकसभा चुनाव में रोचक भिड़ंत। अमरावती एससी के लिए रिजर्व अमरावती लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को मतदान होगा। इस महासंग्राम में कुल 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो शिवसेना भाजपा युति के प्रत्याशियों आनंदराव अरसुल हैट्रिक के लिए जोर लगा रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव 2014 में नंबर 2 पर रही राष्ट्रवादी कांग्रेस व रिपाई पुरस्कृत युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार नवनीत राणा टक्कर दे रही हैं। इस बार भले ही रिपाई के डॉक्टर राजेंद्र गवई ने राणा को सक्रिय समर्थन दिया है, लेकिन बसपा प्रत्याशी अरुण वानखेड़े और वंचित आघाड़ी प्रत्याशी गुणवंत देवपारे भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जोर लगा रहे हैं। 2014 का इतिहास दोहरा रहा है चुनाव लोकसभा चुनाव में। इस बार हैट्रिक और डेब्यू के लिए जमकर टशन है, लेकिन आने वाले 18 अप्रैल को मतदान ही इस टशन का फाइनल करेंगे। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें से 3 पर भाजपा का काबिज है, जबकि 1 पर कांग्रेस का वर्चस्व है। अन्य 2 विधानसभा क्षेत्र बड़नेरा में रवि राणा व अंचलपुर में बच्चू कड़ू बतौर निर्दलीय का कब्जा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कौन किसका साथ देगा, यह फिलहाल माता पच्ची है। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा शिवसेना युति के उम्मीदवार के रूप में आनंद अरसुल हैट्रिक लगाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वही कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस महागठबंधन की नवनीत राणा लोकसभा में डेब्यू के लिए पूरी तरह की ताकत झोंक रही है। 2014 में ही लगभग यही स्थिति थी, जिसमें तीर कमान ने बाजी मारी थी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक खबर आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।